तो भाई लोग कैसे हो? सब बढ़िया। तो भाई आज जो वीडियो है ये होने वाला है रीस्पॉन बैटल मैप का। यहाँ पे आप कुछ ऐसे तगड़े टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं जिसे अगर यूज करोगे तो हर बार आप यहाँ से रीस्पॉन हो सकते हो बिना भाई मरे हुए। अब भाई पता है कि बीजेएमआई 3.0 में एक भाई रिस्पॉन बैटल आया है जिसमें कि अगर आप भाई मर जाते हो तो रिस्पॉन बैटल में दे देता है, अगर भाई यहाँ से आप रिस्पॉन हो जाते हो तो आप फिर से गेम में वापस आ जाते हो। तो इस जगह का टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाला है जिसे आप यूज करके भाई ईजिली भाई हर एक बंदा यहाँ से रिस्पॉन हो सकता है। तो यार चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स नंबर वन, जब भी भाई आप रिस्पॉन बैटल में लैंड करने लगते हो तो आप एक चीज़ों का नोटिस करना कि जो ये रिस्पॉन पॉइंट आपको दिख रहा है ये कितना है, 1, 2, 3। अगर 1, 2, 3 में कुछ भी रहे तो आपको पैराशूट ऊपर में ही ओपन करना है और अपना मैप ओपन करना है, और ये जो भाई आपको ग्रीन सा दिख रहा है ना गेट जैसा, ये देखना है ये भाई किस लोकेशन पे है। या तो फिर भाई अपना पैराशूट ऊपर में ही अपना भाई आँख घुमा के देख लेना है कि कहाँ पर भाई ग्रीन धुआं निकल रहा है, और एग्जैक्ट उसी के आसपास आपको लैंड करना है। और इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ों को और नोटिस करना कि इस एरिया में कितने प्लेयर है। अब भाई 3-4 से ज्यादा प्लेयर नहीं होते हैं। अगर भाई आप इस जगह पे डायरेक्ट लैंड करते हो तो यहां से आप इजीली भाई रिकॉल कर सकते हो। बहुत कम बंदा होता है जो कि भाई यहां पे आके रहता है, वो सब बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाके लैंड कर जाते हैं। पढ़ते हैं ट्रिक्स नंबर 2 पे। अगर भाई आप लैंड कर रहे हो, आपका भाई जो यहाँ रिस्पॉन पॉइंट है वो 0 दिखा रहा है, तो आपको भाई पैराशूट ना वो बहुत ऊपर ही ओपन करना है और भाई थोड़ा टाइम आपको होल्ड करके रखना है, और उसके बाद अपना मैप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा जो भाई रिस्पॉन पॉइंट है वो 14 सेकेंड, 13 सेकेंड, 12 सेकेंड में आएगा। अगर जिधर आपको वो दिखा रहा है उधर ही आपको लैंड करना है। आप भाई पहाड़ी के ऊपर भी लैंड कर सकते हो, बट भाई ये ध्यान रखना कि आप भाई ज़्यादा ऊंचाई से नीचे मत जाना। अगर ज़्यादा ऐसा उससे जाओगे तो नॉक हो जाओगे। उस जगह पे निकाल लेना, ढूंढ लेना कि किस जगह से मैं जंप करूँ तो मेरा भाई ज़्यादा हेल्थ नहीं जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ चला गया। अब देखो यहाँ प्लेयर 4 प्लेयर है, अभी 5 प्लेयर हो गया, फिर भी मैं यहाँ ईजिली स्पॉन कर पा रहा हूँ, जो रिस्पॉन है वो हो पा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत कम बंदे होते हैं, सब बंदे भाई फाइट लेने पर चले जाते हैं। अब बढ़ते हैं ट्रिक्स नंबर 3 की तरफ। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होने वाला है। अगर आप भाई लैंड कर जाते हो, आप इस एरिया में आ जाते हो और भाई उस जगह पे नहीं हो जहाँ रिस्पॉन पॉइंट है, तो आप भाई यहाँ मैप में नोटिस करना कि भाई जिन जगहों पे मैं मार्क करके दे रहा हूँ ज़्यादातर करके भाई इसी सब जगह पे रिस्पॉन पॉइंट जो है, रिस्पॉन जो धुआं होता है यहीं स्पॉन होता है, तो इसी के आसपास आपको हमेशा लैंड करना है। अब जैसे कि देख लो मैं भाई इस वाले जगह पे लैंड किया, अब देखो यहाँ इस बार नहीं है, इस बार दूर बना है हमसे, जो कि आप भाई यहाँ देख सकते हो 14 सेकेंड 13 सेकेंड बाद आएगा। तो मेरे पास अभी टाइम भी देख सकते हो 6 मिनट 55 सेकेंड है, मतलब बहुत इनफ टाइम है। मैं भाई यहाँ अगर जाऊँगा तो हो सकता है मैं मर जाऊँ, क्योंकि एरिया में 3 प्लेयर 4 प्लेयर हमेशा है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास भाई इनफ टाइम है। और कुछ टाइम बाद 30 सेकंड बाद ये भाई फिर से नए जगह पे स्पॉन होगा। अब देखो जैसे इस वाले जगह पे स्पॉन हुआ एंड भाई एक साइड में भी स्पॉन हो रहा है, जो कि आप भाई मैप में देखें, और ये साइड वाले जगह पे मुझे जाना ज्यादा आसान लग रहा है। मैं भाई साइड साइड से चला जाऊंगा इस वाले जगह पे और मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। तो आप भाई यही करना, थोड़ा सा वेट करना, अगर भाई 4 मिनट 3 मिनट टाइम है तो 1-2 जो है रिस्पॉन को वो आने देना, और इन्हीं सब एरिया में आता है और इसी सब एरिया के आसपास आप रहना, आपका भाई जो इजीली है बिना आपको कोई मारे आप भाई आ सकते हो। और मेरे टीममेट की तरह भाई मत बनना कि भाई बंदे दिख रहे हैं तो भाई मार ही देते हैं, क्या दिक्कत है, भाई मार के जाएंगे तो भाई खुद भी आपका पेटी बन जाएगा। तो सीधा और रिकॉल करो, यहाँ से आपको ईजिली रिकॉल मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कोई नेक्स्ट मदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।